जय श्री राम भक्तों, मैं अजय महाराज। आज का विषय है, क्या शिव भक्तों को सूतक लगता है? आज का ये विषय अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा आप लोगों के लिए। हमारे पास अनेकों शिव भक्तों का फोन और कॉल मैसेज आए हैं और उन्होंने पूछा है कि महाराज जी, क्या शिव भक्तों को सूतक लगता है? क्या सूतक काल में शिव भक्त शंकर भगवान की पूजा कर सकते हैं? क्या उनको स्पर्श कर सकते हैं? क्या अपनी नियमित पूजा संपन्न कर सकते हैं या नहीं? आज का ये विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, जब भी घर में या अपने कुटुंब में या खानदान में किसी अपने प्रिय व्यक्ति का निधन होता है, तो उसके बाद उसकी तेरहवीं तक सूतक काल लगता है। उस सूतक काल में किसी भी भगवान या देव प्रतिमा को छूने की आज्ञा नहीं होती है, ना पूजा पाठ करने की आज्ञा होती है। और इसी प्रकार से अगर घर में या कुटुंब में किसी बच्चे का जन्म होता है, तब सोवर लगते हैं, जो प्रायः 10 दिन के माने गए हैं। 10वें दिन जो शुद्धि का हवन होता है, उसके बाद सोवर खत्म हो जाता है। लेकिन अगर बच्चा सिजीरियन हुआ है तो शुद्धि का हवन प्रायः 1 महीने बाद होता है। तो जब तक सोवर और उसका प्रभाव घर परिवार पर रहता है बराबर, और उस सोवर काल में पूजा पाठ मना होती है। आप किसी भी प्रकार की पूजा पाठ नहीं कर सकते, ना किसी देव प्रतिमा को स्पर्श कर सकते हैं। यह है नियम। अब बात आती है शिव भक्तों की। जो शिव भक्त है या जिनके इष्ट देव शिव हैं, शंकर भगवान, बात उनकी चल रही है, जिनके इष्ट देव शंकर भगवान है और जो शंकर भगवान के भक्त हैं, उनके ऊपर सूतक और सोवर का क्या प्रभाव होता है? देखिए, शिव पुराण के अनुसार जो भी शिव भक्त होते हैं और जिनके इष्ट देव शंकर भगवान होते हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का सूतक काल या सोवर काल नहीं लगता है। वो सोवर या सूतक काल में भी शंकर भगवान को छू सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। शिव भक्तों को, जिनके की ईष्ट से शंकर भगवान है, शिव है, उनको सूतक या सोवर नहीं लगता। अब बात आती है ऐसे भक्तों की जिनके इष्ट देव कोई और है। मान लीजिए हनुमान जी उनके इष्ट देव है, या किसी की दुर्गा मैया इष्ट देव है, या किसी की काली मैया इष्ट देव है, लेकिन वो संग में शंकर भगवान की भी पूजा करते हैं, तो ऐसे भक्तों के ऊपर सोवर और सूतक का क्या प्रभाव होगा? तो इसका उत्तर यह है कि ऐसे भक्तों के ऊपर सोवर और सूतक का पूरा नियम लागू होगा और वो सूतक काल में और सोवर समय में पूजा पाठ नहीं कर सकते। ये छूट केवल शिव और केवल शिव भक्तों को है
और खास तौर से उनसे भक्तों को जिनके की ईष्ट शंकर भगवान है, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का सोवर या सूतक का प्रभाव नहीं पड़ता है। आशा है आपको आपकी बात का जवाब मिल गया होगा, और मेरा आपसे अनुरोध है कृपया आप अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप नए आए चैनल पर तो सब्सक्राइब अवश्य करें, और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को भी अवश्य दबाएं। आज का ये वीडियो हम यही समाप्त करना चाहेंगे। जय श्री राम।